तो गाइस तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो, और डेली की तरह बहुत सारे न्यूज़ के साथ मैं आ चुका है एक और नई वीडियो में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बंदे नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि गेम जैसे ही अनबैन होगा मैं जो है रॉयल पास गिव अवे करने वाला हूँ। तो अभी मैं नहीं बताऊँगा कि कब मैं रॉयल पास गिव अवे करने वाला हूँ, क्योंकि अभी किसी को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि पबजी मोबाइल कब वापस से इंडिया में अनबैन हो के आ रहा है। तो बहुत जल्द आ रहा है। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रहा है वो ओशियन की तरफ से निकल के आ रहा है, तो आप ये वीडियो क्लिप देख लो, उसके बाद आप मैं आपको और बहुत सारे प्रूफ देने वाला हूँ कि पबजी मोबाइल वापस से आ रहा है। ये न्यूज़ ज़रूर है कि गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत होनी है, MEITY के साथ जो बातचीत होनी है वगैरह, वो थोड़े से पॉजिटिव कदम ले रही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बातचीत पूरी हो चुकी है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि बातचीत शुरू नहीं हुई है, जो भी है पॉजिटिव कदम ले रही है। तो गाइस इस क्लिप को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि पबजी मोबाइल जो है कुछ ना कुछ तो कर रहा है, और जितने भी बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं उनको कुछ ना कुछ तो पता ही है, जो कि वो खुल के नहीं बता रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर पबजी मोबाइल उस डेट पे नहीं आएगा तो फिर से उनका कट जाएगा। तो अगला जो अपडेट निकल के आता है वो जी न्यूज़ की तरफ से निकल के आता है, और उसमें सीधे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द डेट कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में पबजी मोबाइल लॉन्च होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब हो सकता है पबजी मोबाइल जो है 2021 में निकल लॉन्च होने वाला है, फैब में 2021 में लॉन्च होने वाला है, और फैब के महीने में लॉन्च होने वाला है, मतलब फरवरी के महीने में लॉन्च होने वाला है। तो ऐसा कुछ निकल के आया है अपडेट। तो आज का बस इतना ही अपडेट था। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।